आप देख रहे हैं दखल न्यूज। राफेल विमान सौदे पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद बीजेपी ने कांग्रेस के ऊपर तीखे हमले शुरू कर दिए हैं। भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश के अध्यक्ष राकेश सिंह ने कलेक्ट्रेट के सामने धरना दिया और राहुल गांधी के खिलाफ ज्ञापन सौंपा। राफेल विमान सौदा विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। जहां पहले राहुल गांधी ने सौदे को लेकर जगह जगह रैलियां की, वहीं अब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद बीजेपी इसको लेकर प्रदेश के सभी जिलों में धरना प्रदर्शन कर कलेक्टरों को ज्ञापन सौंप रही है। भोपाल में बीजेपी के सभी बड़े नेताओं ने राहुल गांधी के खिलाफ भोपाल कलेक्ट्रेट के सामने विरोध प्रदर्शन किया और कहा कि राहुल गांधी ने देश को ताक पे रखकर राफेल विमान सौदे में देश की जनता को गुमराह किया। मध्य प्रदेश के बीजेपी अध्यक्ष राकेश सिंह ने कहा कि राहुल गांधी को देश से माफ़ी मांगना चाहिए क्योंकि राहुल गांधी ने देश की जनता के साथ खिलवाड़ किया है। तीन विषयों को लेकर सुप्रीम कोर्ट में ये मामला दायर किया गया था। पहला था राफेल की खरीद प्रक्रिया को लेकर, दूसरा उसकी कीमत को लेकर और तीसरा था उसमें ऑफसेट पार्टनर को लेकर। तीनों ही विषयों में बहुत स्पष्ट निर्देश माननीय उच्चतम न्यायालय ने दिया है। खरीद प्रक्रिया में भी उन्होंने कहा कि कहीं कोई गड़बड़ी नहीं हुई। कीमत के मामले में तो उन्होंने ये कहा कि बल्कि इससे तो देश को आर्थिक लाभ हुआ है। और तीसरा ऑफसेट पार्टनर के मामले में भी उन्होंने कहा है कि ऑफसेट पार्टनर चुनने के मामले में देश में सरकार की कोई भूमिका नहीं थी और इससे ये साबित हो गया है कि कहीं कोई भ्रष्टाचार नहीं था, दिल भी नहीं था, लेकिन उसका ताड़ बनाने की कोशिश कांग्रेस ने की है। देश की जनता इसके लिए कभी इनको माफ़ नहीं करेगी और इसीलिए भारतीय जनता पार्टी ने आज तय किया था कि पूरे देश में सभी जिला मुख्यालयों पर आज इसको लेकर हम ज्ञापन सौंपेंगे। भोपाल में भी आज भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने बड़ी संख्या में एकत्रित होकर आज इस धरने के कार्यक्रम में भाग लिया है और उसके साथ ही अभी हमने ज्ञापन भी सौंपा है। राफेल के मामले में राहुल गांधी को कुछ पता ही नहीं है। बचकानी हरकत जो है ना, ऐसा कर रहे हैं इसलिए वो मेहरबानी करके देश की जनता से माफी मांगे, भारत के संविधान से माफी मांगे, भारत की सेना से माफी मांगे और भारत के सुप्रीम कोर्ट से माफी मांगे। धरने में बीजेपी नेताओं ने कहा कि कांग्रेस सोच में है कि बिना भ्रष्टाचार हुए राफेल सौदा कैसे हो गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ करते हुए बीजेपी नेताओं ने कहा कि मोदी सरकार में एक भी घोटाला नहीं हुआ, मोदी सरकार ने हमेशा विकास की बात की है। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।